जबकि साढ़े संविधान च है कि 15 दिनों के असी एग्जैक्टिव मीटिंग बुला के सारे खर्चे सारे जोड़े भी है ना 5,000-10,000 तक का खर्चा होंगे जोड़ा प्रधान तक कर सकते हैं। इन्होंने लखा करोड़ों रुपए के चैक देते हैं, लखा करोड़ों रुपए के कोई प्रिंटिंग के बिल ने, कोई सवाल बिल है, कोई पास नहीं कराए, कोई कुछ नहीं है। भाई एक बार 6 महीने भी कराते हैं सारे को हाथों खड़ा करा देंगे तो पर दस चलो जो करा बैठे 6 महीने बाद ही कराए इन दसो तो सही है खर्चे कच्चे कराए है। अगर मैं अंग्रेजों को क्या कहता जी पहले सरसा साहब दस कह मैं देंगे मैं क्यों तेरे भाई प्यो का है वे भला जरा अपना सिस्टम प्रबंध प्रबंध जो है। अच्छा जे साढ़े को वकील 50,000 का होगा चंगा वकील होगा या कोई फ्री करना चाहता होगा दसागे ना तुम इन करो हूँ मनना नहीं है वे मेरा ख्याल उस वधिया कोई वकील ही नहीं होगा दिल्ली के बहुत वधिया सीनियर एडवोकेट है वे वो कहते दिल्ली कमेटी का कोई केस दोगे मैं पैसा नहीं लाँगा तुम्हें जबकि 5 लाख रुपया लेंदा है असं योजे बंद क्यों नहीं करा भी बिल्कुल। ज्यों ज्यों दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी चोण आ रही ने दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के मौजूदा प्रबंधक जड़े ने श्रोमणी अकाली दल बादल दल मुश्किलें लगातार वधदियां जा रही ने पुराने बुद्धिजीवी जड़े ने सीनियर आगू ने वह टुटते जा रहे हैं पार्टी के कुछ प्रबंध जड़े इस तरीके के हो गए हैं करप्शन के चार्जिज़ वधदे जा रहे हैं दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी तो हुण काफ़ी पुराने वफादार इन्ने सालों तो सेवा दे रहे थे श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी भी दिल्ली गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी भी और श्रोमणी अकाली दल के बहुत ही पुराने वफादार सूझवान सीनियर आगू सरदार हरमनजीत सिंह जी इस वक्त साढ़े मौजूद ने। इन्होंने अज पार्टी जी ज्वाइन कर ली है सरदार सुखदेव सिंह ढींडसा जी द्वारा बनाई जी श्रोमणी अकाली दल डेमोक्रेटिक पार्टी है वो ज्वाइन कर ली है की कारण रहे हैं और किस तरीके का निज़ाम जो अज चल रहा दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का गलबात कर रहे हैं। सर स्वागत है थोड़ा D5 चैनल पंजाबी के उत्ते गलबात करते हैं कि किस तरीके के निज़ाम जोड़े अज हो चुके हैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की कारण जोड़े है बने ने अज कि तुम्हें पार्टी छड़नी पई है। वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह। मैं अज बड़े दुखी हिरदे ना पार्टी छड़ के ना मैं ढींडसा साहब की जी नवी पार्टी बनाई है उन्हें मैं ज्वाइनिंग की हैगी है। कारण यह है वे कि मैं अज तो ना 1.25 महीना पहले 1.5 महीना पहले सुखबीर जी ने चिट्ठी लिखी सी सुखबीर जी ने जाके मिलया भी स और मैं पहले 3 महीने पहले रिजाइन दिता सीगा फिर सुखबीर जी मेरी मीटिंग हुई सी डेढ़ गुमना हो गया है वे उन्होंने मैंने कहा सीगा कि भी जो जो तुहाड़ियां तकलीफां हैगियां ने जो जो गलबात हैगी है ना असी सारे इन्हां नूं बुला के ना जिहड़े प्रधान नूं सैकटरी नूं बुला के आपां बैठ के डिस्कस करांगे और तुहाडी मैं ना 4-5 कमेटी बना दा मैंबरी कमेटी बनावांगा जिंदे च दोनों भी होणगे तुसीं भी होवोगे तुहाडे सारिआं तों बगैर पुछे कोई भी डिसीजन नहीं लैणगे। पर अज 1.5 महीना हो गया आई भी ने 2 बारी मैं टैलीफोन भी करता रहेगा वहाँ हरदीप इन्हों का जो बी है उन्होंने भी किया टैलीफोन के भी मैं जो भी आ जाए अपने कमां रुझेवा होगा इन्हों का नहीं मिल पाए है पर हूँ फिर मैं चिट्ठियां लिखी इन्हों मैं क्या जी ये तो वधदा ही जा रहा फिर मैं इन्हों साफ मंगना मैं खर्चे इंज पाई जाते हैं वकील लै लो 2-3 लाख का वकील कर लैन गए अपने इन वैसे उधर लै लो अपना जोड़ा इन्होंने जो मीडिया सैल बनाया हो अपने उत्थे ही वो नरिंदर है कोई इन्हों जो पुराने पुराने बंदे अपने को घर काम करते अपने जी फैक्ट्रिया जे कंस्ट्रक्शन या फैक्ट्रिया काम करते उन्होंने अपने भी काम कराते हैं उत्थों के भी काम कराते उन्हें भी रखे है मैं क्यों रखे है तुम 10-15 लाख 20 लाख का इन्हों खर्चा है क्यों है वे चीज़ का मैं लिखे है और मैं क्या एग्जैक्टिव मैंने खर्चे चाहिए है जोड़े भी जोड़े तुम्हें पास किए उ मैं पास वाले मंगना पे अभी 1.5 महीने तो नहीं दिते है और जबकि साढ़े संविधान च है कि 15 दिनों के असी एग्जैक्टिव मीटिंग बुला के सारे खर्चे सारे जोड़े भी है ना 5,000-10,000 तक का खर्चा होंगे जोड़ा प्रधान तक कर सकते हैं। इन्होंने लखा करोड़ों रुपए के चैक देते हैं लखा करोड़ों रुपए के कोई प्रिंटिंग के बिल ने कोई सवाल बिल है कोई पास नहीं कराए कोई कुछ नहीं है भाई एक बार 6 महीने भी कराते हैं सारे को हाथों खड़ा करा देंगे तो पर दस चलो जो करा बैठे 6 महीने बाद ही कराए दसो तो सही है खर्चे कच्चे कराए है कोई नहीं। अगर मैं अंग्रेजों को क्या कहता जी पहले सरसा साहब दस कह मैं देंगे मैं क्यों तेरे भाई प्यो का है वे भला जोड़ा अपना सिस्टम प्रबंध प्रबंध जोड़ा है मगर कोई भी ना सुनने तैयार को नहीं यह चीज़ मैं सुखबीर जी ने भी की है कहते नहीं ऐसा देना चाहिए उन्होंने बिल्कुल देना असं श्रोमणी कमेटी को मंगता साढ़े को दें मैं श्रोमणी कमेटी को 2 बारी चिट्ठिया लिख के मैं मैंबर हाँ तो मैं कोई जो कोई मन होंगे मैं कहता जो जवाब आ जाए हफ्ते 10 दिन जवाब आ जाता है वे इतने तो कोई इन्हों का जवाब नहीं कोई गल नहीं कहते वो तो इन्हू तो आप के इन भुल जाता है तो आप इंज करता है हूँ परसों साढ़े घर साढ़े उत्थे अपना बनाई हैगी इन्होंने कालका आया है साढ़े उत्थे आया मैं हाली ज्वाइन तो नहीं किया कुछ नहीं किया उत्थे मैंने इन्हें बुलाया ही नहीं गा उत्थे अपना 15-20 बंदे की मीटिंग की हैगी है मैं किनू इलेक्शन लड़ावा मैं किनू करा मैं ये वो करा
ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 68 ਤੋਂ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਆਇਆ ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ 68 ਦੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਚੇਂਜ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਉਹ ਜਦੋਂ 68 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਣ ਦਾ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਫੀ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਪਰਸਨਲੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਔਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਵਕੀਲਾਂ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ? ਦੇਖੋ ਦੱਸਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ 2-2, 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਕੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੇਸ, ਕੋਈ ਸੰਨਿਆ ਨੇ ਪਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕੀਲ 50,000 ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਚੰਗਾ ਵਕੀਲ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਗਾ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਐਂ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੰਨਣ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓਗੇ, ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਦਕਿ ਉਹ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖਰਚੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਘਪਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਣ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਦੁਜੇਰੀਗੜ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮੰਗਦਾ, ਇਹ ਭੇਜ ਦੇ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਮੈਂ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ 22 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਆਏ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ 11,000-21,000 ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਹੋਗਾ ਵਾ, ਇਹ 21,000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ 11,000 ਰੁਪਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪੇਮੈਂਟ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਪਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ? ਇਹ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਹੋਰ 4 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕੀ? ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸਿਰਸਾ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਮਲਕਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 4 ਬੰਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਰਾਣਾ ਜੀ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਹਿੱਤ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਇੱਕ ਦੋ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟਿਡ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਹਾਲੀ 6-8 ਮਹੀਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹਿਸਾਬ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਰਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਬਲ ਫਿਗਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਦਾ ਆਪਣਾ ਬੂਥਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ, ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਔਰ ਲੋਕ ਸਭ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਭ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪਤਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਬੋਲ ਜੀ ਕੇ ਕੋਈ ਬੂਥਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਕੇ ਦਾ, ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਰੁੱਖ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਬਜ ਕਰਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ? ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਾਵੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ,
खास करके सरसा साग इन्हें अपने सारे बंदे जोड़े है ना उन्होंने तनखावे इतने जन्द अपने घर भी काम करते हैं कभी घर मिलते हैं कभी इतने मिलते हैं कभी कितने इन्हें गड्डी के नाल जाए होंगे ने कभी इन्हों का कंप्यूटर का काम करते पे कोई इन्हों फाइनेंस देखता पे है कोई इन्हें किसी के नाते इन्हें जगह लकड़ाई हैं जी कब्जे कुब्जे करता है उनकी जगह अपने नाल खाई हुई हैं कई चीज़ें ऐसी हैं जी। चलो तेरा पर्सनल मामला है पर गुरुद्वारा अज साडे अपना रजौरी गार्डन दे कोई कह दो कि हरमनजीत सिंह पर्सनल काम कराता किसी बंदे को भी असं कराने का मतलब ही कोई नहीं अपने को ही खरीदे है जेडे आप अपने निजी काम वास्ते भी वर्कर जो रखे हुए हैं जिम्मे कह रहे हो कब्जे भी करते हैं या कुछ भी है वह भी तनखा का पैसा जो गुरुद्वारे की गोलक च जाता देखो जाता तो है हिसाब क्यों नहीं देंगे मैं तो कहंगा हूँ अगो जो होर भी ना भेजा ना भेजा बस साढ़े दिमाग शक आएगा ही ना ये जाता है वे बिल्कुल क्यों नहीं कहेंगे असं तो कहेंगे बिल्कुल इस तो ज़्यादा अगर इन्हें मैंने हिसाब ना भेजा एक हफ्ते का मैं नवे साल के शायद पहली तरीक या दो तरीक में असं उत्तर भुख हड़ताल करा सारा पांच छे मैंबरी कमेटी जी सा जावे करा जे हूँ तुम पार्टी मेरा अखीर सवाल है हूँ तुम पार्टी ज्वाइन की है सुखदेव सिंह ढींडसा जी की डेमोक्रेटिक पार्टी हूँ क्रिटेरिया की रहेगा किस तरीके के काम हो गए तालमेल कमेटी भी बनाई है किस तरीके के काम करोगे क्योंकि चोणों का समय भी जोड़ा नेड़े आ रहा हूँ इस तरह है साड़ा सब तो पहले यह होएगा कि जेड़े भी बंदे टिकट जिन्होंने दिती जाए जिहड़ी तालमेल कमेटी दे मान लो असीं किसी नूं टिकट दिंदे हैगे कोई सरने वाल लैंदा या कोई लैंदा असीं उन्होंने अगर रिक्वेस्ट करांगे कि भी तुसीं बेस्ट तो बेस्ट बंदा जिहड़ा अच्छा काम करने वाला बंदा होवे और उन्हूं देईए जिहड़ा ईमानदार भी होवे भावें कोई अज गुरुद्वारे का कोई प्रधान मान लो पंजाबी बाग का जिहड़ा हैगा वे राजू कोछड़ हैगा वे इहो जिहे बंदे आ जाण तो बड़े अच्छे है बंदे वाले साढ़े अपना एम पी एस चड्ढा है योजे बंदे आन भावें किसी पार्टी के हो कम से कम उन्होंने दर्द तो है ना गुरुद्वारा साहब के कम जोड़ा है असं कराना ईमानदारी कराने बड़े बड़े बंदे पे है अच्छे बंदे है असं उन्होंने रिक्वेस्ट करा कि भाई है जिमें भुपिंदर आनंद कई ऐसे बंदे है जिमें है बलबीर सिंह वरी है कोहली साहब है जगदीप सिगमा वाले है सारे चंगे बंदे ने उन्होंने रिक्वेस्ट करा तुम अपने एरिए खड़े हो या फिर उन्होंने ना तुम भी हम रिटायर सारे ही रिटायरिंग एज है जिमें है हूँ की करना है अगर असी नवा घर लभना उपर जाना है प्रधान जी हूँ कुल मिला के जिस तरह असं रजौरी गार्डन के भी थोड़ा प्रबंध देखिए गुरुद्वारे का काफ़ी लंबे समय तो तुम उत्थे सेवा कर रहे हो और संगत का प्यार जरा लगातार थोड़ा मिलता आ रहा चोणों के तो क्यास लगा सकते हैं कि सिख सियासत जी है वह म्यार हूँ सही हो सकता है क्योंकि थोड़े वर्गे बुद्धिजीवी जोड़े ने पुराने सीनियर वफादार आगू ने वह हूँ सिख सियासत वास्ते काम करे देखो जी जी सा तालमेल कमेटी होएगी ना असी इन्हों पूरा जोर पावे कि चंगे तो चंगे बंदे ना दी जाए टिकट दी जाए अगर चंगे बंदे आ जाएंगे ईमानदार बंदे आ जाएंगे ना बाई दू एक दो बंदे गलत भी हो गए तीन गलत वो फिर जो ईमान साढ़े हूँ पता है कि मुखिया ठीक हैगा वे तो कौन कर सकता है उत्थे कोई कर ही नहीं सकता है प्रधान जी राजनीति मैं फिर कहांगा हावी हो जाती सी ते जिस तरह हुण तुसी बंदे जिहड़े नुमाइंदे चुणोगे उन्होंने दोबारा राजनीति च तां नहीं सियासत विच तां नहीं पैर रखा जाऊगा वैसे यह साडा फैसला ढींडसा साहब नाल होया जिहड़ा दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी का इलैक्शन लड़ेगा ना दूजा इलैक्शन नहीं लड़ेगा बाकी हूँ जो तालमेल कमेटी बैठेगी सारे तो बैठ के असं डिसीजन लाँगे कि भी असं उन्होंने देिए जी सेवा कर सकते हैं जो बंदे सो तुसी बने रहो डी फाइव चैनल पंजाबी दे नाल असी लगातार गलबात कर रहे सी सिख सियासत जिहड़ी आ उहदा म्यार जिहड़ा हुण उच्चा चक्किया जा सकदा क्योंकि ज्यों ज्यों दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दीआं चोणां नेड़े आ रहीआं ने सियासत जिहड़ी आ पक्कदी भी जा रही है और माहौल किस तरीके का बन रहा क्योंकि पार्टियां तो जिहड़े पुराने वफादार सूझवान बंदे ने उह श्रोमणी अकाली दल बादल नूं छड्ड के जिहड़ा हुण डेमोक्रेटिक पार्टी विच जा रहे ने अगे आने वाला रुख जिहड़ा तैयार कर रहे ने क्योंकि दिल्ली दी सियासत दे उत्ते जिहड़ी राजनीति हावी हो रही है और निज़ाम जिहड़े प्रबंध जिहड़े आ गलत हो रहे ने उहनां नूं ठीक करन वास्ते काम होंगे। कैमरा परसन करणजीत सिंह दे नाल दविंदर सिंह डी फाइव चैनल पंजाबी दिल्ली। डी फाइव चैनल पंजाबी हुणे सब्सक्राइब करो बैल आइकन ते क्लिक करो।